ऑलराइट, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कलम ने स्टार्ट किया था, कलम ने उसके सोर्सेस कर लिए थे, ठीक है। यानी एक कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आती है, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन। सो ऑल दीज आर दी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Then we started with the role of human capital formation in economic growth. Be attentive. Human capital formation, how it leads to country's development. तो उसके भी हमने कुछ points कर लिए थे. Human capital formation से number one, productivity raise होती है, ठीक है. An educated, trained, healthy staff is obviously more productive. He contributes more to the production than an uneducated and unhealthy person. Secondly, it leads to innovation. Jis country mein education ke upar zyada spend kiya jata hai, us country mein innovations, technological advancements zyada hoti hain. To obviously, jis country mein technology advance karegi, us country mein production badhegi to economy grow karegi. Theek hai? Then, so these are the and moreover they can adapt to the change. Educated persons, they can adapt to the change. So change mein adapt karna bahut hi zaruri hai agar hum progress chahte hain kisi bhi country ki ya kisi bhi individual level. Jaise maine kal aapko example di thi ki agar hum being teachers hum keh dete ki hame hum techno savvy nahi hai, hum computer ke use se hum online classes nahi padha sakte. If we would not have adapted to the change, this all this would not have become possible. ठीक है? So, but educated force is always, you know, more adaptive. ठीक है? So इस तरह के कुछ points हैं जिससे हमें पता चलता है कि human capital formation does have an important relation with the economic growth of the country. Okay. Next line बेटे आप अपनी NCERT में देखिए, empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous. There is one term, word used as nebulous. Pehle statement padhiye, statement. The statement is ki hamare paas koi empirical evidence nahi hai jo ki ye prove karta hai कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर जो हम यू नो ह्यूमन कैपिटल बढ़ा रहे हैं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. वी डू नॉट हैव एन एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट. यस कार्तिक एंड मोहित बी अटेंटिव. जो एम्पिरिकल एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमी ग्रो होती है, दिस इज रादर नेबुलस. नेबुलस का मतलब है वेग, इल डिफाइंड, मतलब कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे. तो अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये बच्चा इतने घंटे पढ़ता था, इसके इतने मार्क्स आए, ये इतने घंटे पढ़ता है इतने मार्क्स आए, कोरिलेशन दिखा दी मैंने, पॉजिटिव है, हाई है, तो आप मेरी बात मान जाओगे. लेकिन अगर मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रही है, उसके कारण इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब वो एविडेंस क्या है? नेबुलस. नेबुलस मींस वेग है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है. ऐसा क्यों? दिस मे बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स. एविडेंस क्यों नहीं है, इसका एक कारण हो सकता है मेजरमेंट प्रॉब्लम्स. मेजरमेंट प्रॉब्लम्स कैसी? हम एडुकेशन को कैसे मेजर करते हैं? हम देख, आप कितने एडुकेटेड हो, मैं कैसे मेजर करूंगी? आई विल मेजर इट बाय द नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, है ना. एडुकेशन इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मेजर होती है. टीचिंग प्यूपल टीचर प्यूपल रेशियो कितनी है, उससे हम मेजर करते हैं. एनरोलमेंट रेट से मेजर करते हैं. बेटे देखो, जब मैंने आपको यह बताना है मेरी कंट्री
एडुकेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, मैं कैसे बताऊंगी? मैं बताऊंगी पहले इतने ग्रेजुएट्स होते थे बच्चे, आज इतने ग्रेजुएट्स हैं। यानी मैंने कहा मेरी कंट्री में एडुकेशन का लेवल बढ़ गया है, इसको मैं किससे माप रही हूं? नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर से, है ना? यस और नो तो बोलो बेटे, मुझे पता चले समझ में। यहां हम बताते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो से कैसे पता चलता है? पहले इतने बच्चे स्कूल्स में इनरोल हो रहे थे, आज ज्यादा हो रहे हैं, तो हम कहते हैं वाह देखो हमारी कंट्री एजुकेशन के रास्ते पे तरक्की कर रही है। स्टूडेंट प्यूपिल रेशो, पहले एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ाती थी, यानी एक क्लास में 10 बच्चे होते थे, आज एक टीचर के नीचे 30 बच्चे, मतलब ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो हम कहते हैं हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। डज एनी ऑफ दिस पैरामीटर, चंदन इधर आ जा बेटे, डज एनी ऑफ दिस पैरामीटर रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? इससे क्वालिटी पता चली एजुकेशन की? नहीं पता चली। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या आपका मेंटल लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? क्या आप इनोवेटिव कैपेसिटी रखते हो नहीं रखते हो? ये हमें नहीं पता चला। हमने एडुकेशन को किस में मापा? नंबर ऑफ इयर्स, ये मेरे को दे दो, नंबर ऑफ स्कूलिंग इयर्स में मापा, टीचर प्यूपिल रेशो में मापा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में मापा। इन सब से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। देन सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज को किस में मेजर करते हैं? हम कहते हैं हमारा मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, हम कहते हैं हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया है। ये भी कंट्री के ट्रू हेल्थ स्टेटस को नहीं बताता। आज जब पेंडेमिक हमारे ऊपर आया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से उसके लिए क्या सफिशिएंट था या नहीं था, हमें उसी टाइम पे पता चल गया हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है। वर वी इन पोजीशन टू फाइट दिस पेंडेमिक? नहीं ना, तो इसका मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लेकिन हम तो क्लेम करते हैं कि हमारी मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, क्लेम करते हैं हमारी एवरेज एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, पहले लोगों की एवरेज लाइफ 32 साल थी, आज 68 इयर्स है। हम कहते क्लेम करते हैं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव है, बट इट इज नॉट सो। ठीक है, सो ये वाले इंडिकेटर्स को यूज करके जो हम एडुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट का दावा करते हैं, ठीक है, इन बोथ दी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इट शोज दैट देयर इज कन्वर्जेंस इन दी मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा ह्यूमन पर कैपिटा रियल इनकम। तो इनसे ये पता चलती है, हमें ये बातें पता चलती है कि नो डाउट ह्यूमन कैपिटल बढ़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, उसका हम दावा नहीं कर सकते। क्लियर बेटे? ये सिर्फ कहानियां हैं, इनको समझो कोई भी, ताकि एमसीक्यू आ जाए आपके, आप रिलेट कर पाओ। ये जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इट्स लाइक हैविंग अ गुड नॉलेज, इट्स नॉट कन्फाइंड टू बुक्स ओनली। आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतनी उसकी डेप्थ में जाओगे, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। डोंट टेक इट एज अ सब्जेक्ट, जस्ट टेक इट एज अ जनरल नॉलेज। आपको अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, अपनी कंट्री की पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, ये सब्जेक्ट वो बताता है। ठीक है, सो अभी तक हम जो कहते हैं कि भी ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मैंने बता भी दिया थ्योरेटिकली, मैंने बताया प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मैंने बताया इनोवेशन लोग कर पाते हैं, मैंने बताया लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है ना, तो इसका मतलब इसका रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। लेकिन बाद में ये भी कहते, मैंने बता दिया कि जो इसका रिलेशन है वो वेग है, इल डिफाइंड है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम। आज हम अपना एडुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लेम करते हैं कि बहुत बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि हम उसको जो पैरामीटर्स उसके लिए यूज कर रहे हैं
वो कोई कंक्रीट नहीं है। वो अगर एडुकेशन किसमें मापी, स्कूलिंग ईयर्स में, और स्टूडेंट टीचर प्यूपिल रेशो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, डू दे इन एनी वे रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एडुकेशन? नहीं। ठीक है, डिग्री लेके भी बच्चा एक ह्यूमन कैपिटल नहीं बनता, उसमें स्किल्स नहीं है अपनी इनकम को बढ़ाने की। सो ये जो ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट है, देयर इज अ साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन फास्टर बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज नॉट बीन फास्टर। मतलब अगर जैसे मैं कह रही हूँ ना, स्टडी आवर्स और मार्क्स, आपने स्टडी आवर्स 2 से 4 घंटे कर दिए लेकिन आपके मार्क्स 10 से 20 नहीं हुए, 10 से कितने हुए, 15 हुए। यानी ग्रोथ इन ह्यूमन कैपिटल हैज बीन मच फास्टर बट द ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम हैज नॉट बीन फास्टर। ये लाइन याद रहेगी, ग्रोथ रेट इन ह्यूमन कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन मच फास्टर बट ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम हैज नॉट बीन फास्टर। सो विच मीन्स देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस दैट इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम। सो देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट द कैजुअलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन आइदर डायरेक्शन। जो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में रिलेशन है वो टू वे रिलेशन है। यानी ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट आने से इकोनॉमी ग्रो करती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। सिमिलरली जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उसकी ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ेगी। अगर आप लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, यू विल स्पेंड मोर ऑन एडुकेशन हेल्थ। आप देखो, आपके पेरेंट्स क्या बाहर पढ़े हुए? नहीं ना। आप लोग बाहर पढ़ने जाओगे, आप में से कुछ लोग? सी व्हाट हैपेंड, योर पेरेंट्स वर एडुकेटेड बाय देयर ओन पेरेंट्स, सो दैट लेड टू इंक्रीज इन देयर पर कैपिटा इनकम। नाउ विद दैट इंक्रीज्ड इनकम दे आर स्पेंडिंग ऑन योर एडुकेशन, they are sending you abroad, which means they are spending more, so which means human capital बढ़ गई। ठीक है, आप जब पेरेंट बनोगे आप अपने बच्चों को और अच्छे स्कूल्स में और अच्छी एडुकेशन दोगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये टू वे है। ठीक है, ओके। 7th 5-year plan ये लिख लो अब, अगर आपके पास दूसरी बुक्स है। 7th 5-year plan से इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेस देना शुरू किया। इससे पहले ह्यूमन कैपिटल वगैरह, हाँ नो डाउट हम एडुकेशन हेल्थ सेक्टर के ऊपर करते आ रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली 7th 5-year plan में कहा गया। बेटे कई बार कोटेशन भी आ जाती है, मैंने भी डाली थी 2nd 5-year plan में, एक एमसीक्यू मैंने भी बनाया था कमेंडिंग हाइट्स इंडस्ट्री वाला 2nd 5-year plan का। तो अगर ऐसे वो पूछ ले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज नेसेसरली टू बी असाइंड अ की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली इन अ कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन। ऐसा कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक की रोल देना चाहिए, स्पेशली ऐसी कंट्री में जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। Trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth. कहते चाहे population का size ज्यादा है, लेकिन अगर हम इनको train करेंगे, सही lines पे educate करेंगे, तो वो huge size of population हमारे लिए asset बनेगा, liability नहीं। और उससे हमारी economy का growth rate accelerate होगा और social change आएगा हमारी economy में। ये कहाँ कहा गया? 7th 5-year plan में। ठीक है, तो आपने कैसे याद रखना है, जहां पर भी कोई ह्यूमन कैपिटल की टर्म हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्ड यूज हो रहा है, वो किस कंटेक्स्ट में है?
7th 5-year plan. Okay, so even though it's difficult to, you know, establish the relationship of cause and effect from the growth of human capital to economic growth, but एक आपको data given है table 5.1, इसके based questions भी आ सकते हैं. Case study, select indicators of development in education and health sector, जिसमें आपको बताया कि real per capita income 1951 में कितनी थी, 81 में कितनी है, 2001 में कितनी है, 2016-17 में कितनी है. So we can see that there it is increasing. 51 में 7,651 थी, 16-17 में 77,659 हो गई. So huge increase is there. Death rate कम हुआ है, infant mortality rate कम हुआ है. कम होना चाहिए या ज्यादा death rate? अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कंट्री डेवलप हो रही है, कम डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए, लिटरेसी रेट. तो ऑल दीज इंडिकेटर्स शो दैट यस, ह्यूमन कैपिटल हैज टेकन प्लेस इन इंडिया एंड द कंट्री इज ग्रोइंग. उसके बाद बेटे, क्योंकि लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स में ये गिवन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पता है सबको, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके बारे में वो पूछ सकता है. स्टेट्स दैट द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप. जो हमारा नॉलेज लैंडस्केप है ना, दैट इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस, वो पुराने जैसा नहीं है. हम पुरानी पॉलिसीज, एक जैसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था रोट लर्निंग के ऊपर स्ट्रेस करता था, क्रैम करो, टेबल्स हैं, लर्न करो, ठीक है, रोट लर्निंग के ऊपर फोकस करता था. आज ऐसी लर्निंग नहीं चलेगी, आज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग चलती है, टीचर आए और पढ़ा के चले जाए, ये पुरानी पॉलिसी है, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगी, है ना. जब ये इंप्लीमेंट होगी तो इंक्वायरी बेस्ड होगी. हम स्टूडेंट को बोलेंगे बेटे ये चैप्टर पढ़ के आना, यहाँ उसको कोई असाइनमेंट शीट दे देंगे, वो करके आएगा और जो उसकी इंक्वायरीज होंगी वी विल बी आंसरिंग टू दैट. टू वे लर्निंग विल बी देयर, ठीक है. सो नॉलेज लैंडस्केप हमारा चेंज हो रहा है, तो आज साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, डेटा राइज कर रहा है, मशीन लर्निंग हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ठीक है. सो मेनी अनस्किल्ड जॉब्स विल बी टेकन ओवर बाय द मशीन्स. जो अनस्किल्ड जॉब है वो सब मशीन्स ले लेगी, और जो स्किल्ड वर्कफोर्स है पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, ठीक है, इन कंजंक्शन विद मल्टीडिसिप्लिनरी abilities across sciences and social sciences and humanities, they will be increasingly in greater demand. कौन से jobs की demand है आगे? Mathematics, computer science, data science. ठीक है, moreover that would be in conjunction with multidisciplinary activities like sciences and social sciences. तो आपका social sciences में आता है economics. ठीक है, with climate change, increasing pollution and depleting natural resources, there will be sizable shift in how we meet the world's energy, water, food and sanitation needs. जिस तरह से हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, हमारी पोल्यूशन बढ़ रही है, तो जो हमारी नीड्स है ना, एनर्जी की नीड्स, फूड की नीड्स, सैनिटेशन, वाटर, इनके अलग अलग सोर्सेज निकाल आएंगे. We will no longer be dependent upon petrol, coal and petrol. We will no longer be, you know, dependent upon different sources. जो हम आज तक हम different rivers water के ऊपर rely कर रहे हैं for water. There will be emerged new sources. Okay. In biology, chemistry, physics, agriculture, climate science and सोशल साइंस, इनकी नीड बढ़ेगी. द ग्रोइंग इमर्जेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स विल ऑल्सो कॉल फॉर
कोलैबोरेटिव रिसर्च इन इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड द रिजल्टेंट सोशल इश्यूज हाइटन्स द नीड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग। बेटे आपको ये भी पता होगा कि जो पेंडेमिक आया है सो इट इज एक्सपेक्टेड इट्स काइंड ऑफ बायो वॉर। सो अगर एक वायरस आया है तो आगे और भी वायरस आएंगे। परहैप्स देयर इज नो एंड फॉर दिस पेंडेमिक। सो अगर ये हमें ऐसे टाइम में रहना है जहां पे नए नए वायरस आते रहेंगे तो और कौन सी जॉब्स बढ़ेंगी? इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट। ये जो इंफेक्शियस डिजीज है इनको कैसे मैनेज करना है, इनके लिए वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए हमें ज्यादा साइंटिस्ट चाहिए होंगे। और क्योंकि जब ये पेंडेमिक आता है तो सोशल इश्यूज भी बहुत बढ़ते हैं। Yesterday only one of you told me कि मैम हमने 2 साल सोते सोते गवा दिए। ठीक है, ये मैक्सिमम बच्चों का है बेटे। आपकी साइकोलॉजी, आपको नहीं मालूम कितनी ज्यादा इंपैक्ट हुई है। जिन बच्चों ने अपने आप को नहीं अफेक्ट होने दिया दे आर सेफ, लेकिन जो लोग ऐसे बहाव के साथ बहते चले गए है ना, सोते सोते क्लासेस लगाई, कुछ नहीं पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस में चीटिंग करके दिए, दे हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन देयर साइकोलॉजी। सो ऐसे इश्यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज को राइज करते हैं, तो जिसके करके आगे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स की भी जरूरत होगी। सो देयर विल बी ग्रोइंग डिमांड फॉर ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। जैसे जैसे इंडिया आगे मूव करती जा रही है ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दो टर्म्स हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन कैपिटल, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? स्टॉक ऑफ स्किल एंड नॉलेज एम्बॉडेड इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ Enlarging choices। बेटे आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 10th तो ऑफलाइन लगाई थी, तो पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का 3 कंसेप्ट्स हैं डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है हम कहते हैं इकोनॉमी डेवलप कर रही है। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डू यू थिंक मनी इन योर पॉकेट कैन बाय एवरीथिंग यू वांट? कैन वी टेक पर कैपिटा इनकम ओनली एज द क्राइटेरिया ऑफ योर डेवलपमेंट? इफ यू लिव इन अ कंट्री, आप मिलीनियर हो लेकिन आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां पे पेंडेमिक आए दिन की बात है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आप उसको अपना डेवलपमेंट मानोगे? नहीं मानोगे ना। सो दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट हैज बीन वाइडन टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें ना सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, there is a rise in literacy rate, there is rise in knowledge attainment of the people, knowledge attainment literacy ek hi baat ho gaya, health of the people yani quality of life, yani it's a process of enlarging choices। so aisi country jisme per capita income ke sath sath logon ka एजुकेशनल अटेनमेंट बढ़ रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, उस कंट्री में हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इज देयर। ठीक है, सो इट्स अ यू नो वाइडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको याद हो आपने ये भी पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हम कंट्रीज की रैंकिंग उसकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर नहीं करते, किसके बेसिस पर करते हैं? ये क्या क्राइटेरिया है, कौन देता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
उसने जैसे बेटे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं आपको एकेडमिक रिजल्ट के बेसिस पर निकालते हैं, सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर, वो हो गया एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम पांच पैरामीटर्स रख लें जिसमें हम हर पैरामीटर को अलग अलग वेटेज दें, हम 20% दे रहे हैं आपकी रिजल्ट को, 20% हम दे रहे हैं आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को, 20% आपकी क्लास में अटेंटिवनेस द वे यू आस्क द क्वेश्चंस, 20% आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है 20% आप बता दो कुछ मेरे को, उसके बेसिस पर सारे स्टूडेंट्स को हमने मार्क्स दे दिए, फिर हमने पॉइंट्स वाइज उनकी रैंकिंग कर दी। नेचुरली जिसके मार्क्स ज्यादा है उसको नंबर वन पे रखा, ठीक है ना, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स है उसको रैंक वन दे दिया, फिर रैंक टू रैंक थ्री में। इसी तरह वर्ल्ड में अबाउट 165 कंट्रीज हैं, हर कंट्री की रैंकिंग की जाती है, उसके लिए क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं। पहला पैरामीटर पर कैपिटा इनकम ही है, ठीक है, जैसे बच्चों के लिए पढ़ना जरूरी है, एकेडेमिक को देनी देनी है वेटेज, इसी तरह कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम, इनकम को हमने वेटेज देनी देनी। इसके अलावा आपका एडुकेशनल अटेनमेंट, लिटरेसी रेट, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज यानी एवरेज एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस कितना है, पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज को पॉइंट्स देता है, उन पॉइंट्स के बेसिस पर उनकी रैंकिंग की जाती है। इसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का रैंक आई गेस 126 कुछ है, विच इज क्वाइट लो, बहुत नीचे है इंडिया, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट ये एक मींस टू एंड है। ह्यूमन कैपिटल हम क्यों बढ़ाते हैं, ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव कर सके, दिस इज अ मींस, दिस इज एन एंड टू इटसेल्फ, ठीक है। सो ये डिफरेंस हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। फिर बेटे स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जिसमें एडुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के बारे में दिया है। आई गेस दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो आई विल स्टिल कंफर्म फ्रॉम अदर स्कूल्स, बट मेरे हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं आता, ठीक है। सिलेबस में सिर्फ ये लिखा है सोर्सेज और रिलेशन, ठीक है। सो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज रूरल डेवलपमेंट। एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटे?